केंद्र और राज्य सरकार औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे कि आमजन को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े। लेकिन जैसलमेर के पोखरण में हालात कुछ और ही हैं। यहां सरकार के इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करवाया, जिसके विकास के लिए रिको ने सड़क, रोड लाइट, बिजली की लाइन, पानी की टंकी आदि का भी निर्माण करवाया। लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते टंकी में पानी नहीं है, रोड लाइट है पर करंट नहीं है, रोड भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में विकास से दूर इंडस्ट्रियल एरिया विभागीय उपेक्षा के कारण आंसू बहाने को विवश है। औद्योगिक क्षेत्र के बिगड़ते स्वरूप को ना तो विभाग ने कोई कदम उठाए और ना ही स्थानीय प्रशासन ने। आपको बता दें कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 20 इकाइयां संचालित हो रही है, लेकिन इन इकाइयों को भी प्रशासन मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहा। ऐसा भी नहीं है कि विभाग को राजस्व नहीं मिल रहा। सालाना रिको से लगभग 10 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है, बावजूद इसके रिको की ओर से औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पोखरण रिको इंडस्ट्रियल एरिया में समस्याएं बहुत है। पिछले 2 साल से यहाँ पे पानी का टेंडर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक पाइपलाइन वगैरह नहीं बिछी है। कई बार अधिकारियों से फोन से जब पूछा तो टेंडर हो गए हैं, लेकिन पानी की आपकी जल समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी तक रिको के अंदर पिछले 10 साल से पानी के बगैर यहाँ पे हम सब उद्यमियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, और महंगे दामों में जो टैंकर से सप्लाई भी करनी पड़ती है, तो इससे हमें आर्थिक नुकसान काफ़ी हो रहा है। तो इस समस्या के बारे में हमने अधिकारियों से बहुत बार संपर्क किया, लेकिन ना तो कोई ठेकेदार इस काम को चालू कर रहा है और ना अभी तक यहाँ पानी के बगैर उद्यमियों को बहुत ही भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई खंडर नहीं है या कोई भूत हवेलिया नहीं है, ये है रिको क्षेत्र, पोखरण स्थित रिको क्षेत्र की ऑफिस, जो यहाँ लगभग 30 साल होने वाले हैं। रिको क्षेत्र की ऑफिस बनी हुई है जो पूर्ण तरह से खंडर हो चुकी है। ना यहाँ कोई अधिकारी आता है, ना कोई यहाँ रहता है, बस एक खंडर के रूप में बनी थी और वैसे वैसे खंडर के रूप में यहाँ खंडर बन चुकी है। जी, हम आपको जानकारी दे दें, इस वक्त हम पोखरण के रिको क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर रिको प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, रोडों की व्यवस्था है, यहाँ तक सभी प्रकार की जो प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं हैं वो एक पूर्ण रूप से नील है। यहाँ के रिको क्षेत्र के रिको इकाई मालिक के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पिछले 30 वर्षों से यहाँ के रोड लाइट है वो जल नहीं रही है, रोडें टूटी हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि रोड लाइटों का टेंडर भी हो रखा है पिछले 2 साल से, लेकिन रोड लाइटों का टेंडर के पैसे उठ जाते हैं, लेकिन रोड लाइटें अभी तक सुचारू नहीं है, जिससे कि रात को यहाँ पर चोरी का डर भी बना हुआ रहता है। वहीं यहाँ पर बनाए गए पार्क बनाया गया जो एक शराब का अड्डा है, जो रात को यहाँ पर लोग आते हैं और शराब पीते हैं। रोडों पर शराब की बोतलें बिखरी हुई है, वहाँ पर पार्क के अंदर पेड़ पौधे लग गए हैं, पार्क के नाम पर एक प्रकार का शून्य पार्क बना हुआ है। पानी की व्यवस्था की जाए तो पानी की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर टेंडर हो रखा है 75 लाख का टेंडर हो रखा है, लेकिन उस टेंडर के अंदर अभी तक कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। वहीं के उस अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने बताया कि टेंडर की हमने टेंडर जारी कर लिया है, लेकिन ठेकेदार वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। पोखरण से किशोर सोलंकी A1 TV की।